everyone. Today we are going to do chapter number 13 of your grammar book, apostrophe. Apostrophe होता क्या है? There are two symbols of comma. एक comma लगता है नीचे की तरफ. इसको बोलते हैं comma when we are similar type of words को हम अलग करने के लिए comma लगाते हैं. एक comma लगता है ऊपर की तरफ. That is called apostrophe. एग्जाम्पल के तौर पे दे देते हैं राहुल, इसका कोई समान है, सो विल राइट डाउन अपोस्ट्रोफी एस, सो इट्स राहुल. यू यूज्ड टू राइट डाउन योर स्कूल नेम, सेंट मेरीज, कोई भी स्कूल का नाम होता है, यू शुड पुट इट अपोस्ट्रोफी एस. When we are telling about the possession of a thing, तब हम लगाते हैं apostrophe s, चाहे वो घर हो, कोई चीज हो, कुछ भी हो, उन चीजों के आगे हम apostrophe s लगाते हैं. Contraction, the next thing is contraction. आप ले लीजिए it big, ये बड़ा है, इसको हमें अब क्या करना है, short form में लिखना है. Short form कॉन्ट्रैक्ट करके देखना, तो हमने बिल का हमने क्या यूज करा है, सिर्फ डबल एल. ऐसे ही हैव का हम यूज करते हैं वी ई अपोस्ट्रोफी डालके. नॉट का हम यूज करते हैं एन कॉमा अपोस्ट्रोफी टी, जैसे डू नॉट, डस नॉट, इन सब में यूज होता है. और कोई वर्ड आर, आर को हम सिर्फ क्या लगाते हैं, अपोस्ट्रोफी डाल के आर एंड ई. सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स. देयर आर मेनी अदर वर्ड्स दैट विल बी गिवन इन द असाइनमेंट. दिस इज फॉर द एग्जांपल आई एम गिविंग यू. सो दीज आर आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स. कॉन्ट्रैक्शन करना मीन्स किसी चीज को छोटा करके देखना. सो इसमें हम क्या यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी. अब प्लूरल वर्ड के साथ भी अपोस्ट्रोफी लगता है, मगर देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ पुटिंग. हम प्लूरल में हम क्या लिखते हैं, बॉयज, प्लूरल हुआ ना एस आया, तो अब अपोस्ट्रोफी एस के ऐसे डाल के लिखेंगे या हम बॉयज लिख के कॉमा डालेंगे, दो बार एस नहीं लिखेंगे. दिस इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ राइटिंग, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग. Boys, S already दे रखा है, that's why we will put apostrophe comma at the back side. So this is the apostrophe chapter. The exercise of this chapter I'll give you in the assignment sheet that will be available in the school website. Thank you and have a good day.